हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। फिर से आपके सामने वीडियो लेके आ चुका हूं। तो आपकी रिक्वायरमेंट थी अपने एसी का रिव्यू देने की, तो मैं आज उसका रिव्यू आपको दूंगा। आज है अपना जो है 15 अप्रैल 2022, और आज जो दिन है वो आपको बता देता हूं, फ्राइडे का दिन है। और अभी मेरे को एसी चलाते चलाते इसको एक हफ्ता हो चुका है। ये मेरा एसी लगा यहाँ पे हिताची का, और मेरे पास रिक्वायरमेंट आई थी कि इसका जो है अपने को वॉइस वगैरह का पता करना है, वॉइस कितनी करता है और बाकी की कूलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने ये कहाँ पे लगाया है और मेरा कितना बड़ा स्पेस है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसा चल रहा है और आपको चला के भी दिखाऊँगा। कूलिंग वगैरह की भी आपको इस वीडियो में मैं प्रॉपर बताऊँगा कि कितनी कर रहा है कितनी नहीं कर रहा है सारी चीज़ें, और कितने पे मैं इसको रन करता हूँ, कितने पे मैं इसको चलाता हूँ। मैं इसको ऑटो पे नहीं चलाता हूँ, कूलिंग वाले पे चलाता हूँ, तो अपना जो है अच्छी कूलिंग कर देता है। बाकी पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा इसका जो है, और चला के भी आपको हम इसकी बाहर से आता है मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। ये मेरा एंट्री गेट है और ये मेरा पहला रूम है जो कि हॉल बोल सकते हो 1 BHK में। ये कुछ इस तरीके से अपना दिखने वाला है। ये अपना मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा जो है फ़ैन लगा हुआ है, और ये अपना जो है विंडो है। यहाँ पे एसी मेरे को सेफ नहीं लगा था लगाने का, और यहाँ पे मेरा इधर विंडो साइड में एसी आया नहीं, यहाँ पे थोड़ा कम स्पेस था और एसी था बड़ा। तो ये मेरा पहला इस रूम है, और ये मेरा जो एसी लगा है वो सेकेंड रूम में लगा है। इसमें अभी इसमें मैंने बेड वगैरह नहीं डाला है, यहाँ पे अपना जो है लैपटॉप और अपना सिस्टम रखा हुआ है थोड़ी बहुत एडिटिंग करने के लिए। और ये अपना सेकंड रूम है, ये थोड़ा सा इससे छोटा रूम है इससे अगर बात करें, क्योंकि इधर अपना जो है रसोई है इसमें ही। और यहाँ पे मैंने ये अपना एसी इंस्टॉल्ड कराया है। यहाँ पे जगह थी जो आपको मिरर दिख रहा है ये बराबर में यहाँ पे जगह थी, बट इसमें क्या था कि अपना जो है 0.8 टन ही आ सकता था, 1.5 टन नहीं आता, ये आप देख सकते हैं। और ये फिर अपने को यहाँ प्लेस कराना पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अपना ये हिताची का मैंने लिया था, ये नॉन इन्वर्टर है, 1.5 टन 3 स्टार, तो अपना इस तरीके से है। और इसकी वायरिंग अभी मैंने टेम्परेरी कर रखी है, क्योंकि इसके लिए मेरे को स्टेबलाइजर अभी मंगाना है। अभी मैंने स्टेबलाइजर नहीं मंगाया है क्योंकि लाइट इतनी फ्लक्चुएट होती नहीं है, बट सेफर साइड में उसको मंगाऊंगा। और यहाँ पे आके अपना जो है एसी का कनेक्शन है, जो कि मेरे घर में बच्चे तो नहीं है, बट मैंने क्या किया है अभी ऐसे ही लगा दिया है। तो अपना मैं इसे सेट करूँगा, सोच रहा हूँ इस संडे में कर दूंगा। तो इसको मैं यहाँ से ऑन करूँगा, तो मेरे जो है इसमें अपनी जो है लाइट अपनी आ गई है, अभी ऑफ दिख रहा है। इस तरीके से कुछ ऑडोमीटर इसका दिखता है आपका। अब मैं पीछे की तरफ से आपको दिखा देता हूँ। फिटिंग की बात करें तो फिटिंग में मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं आता और ईजिली फिट हो जाता है। यहाँ पर आपका दिखाता हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपना ये फिट हो गया है। अगर बात करते हैं इसका इंस्टॉलेशन, तो 700 रुपीज़ का इसका इंस्टॉलेशन था। मैंने सिर्फ इसका जो इंस्टॉलेशन कराया है वो 450 रुपीज़ में कराया है कारपेंटर से, क्योंकि मैंने इंस्टॉलेशन बुक कराया था, इंस्टॉलेशन वाले आए थे, बट वो ऊपर से थोड़ी सी चौखट हल्की सी कटनी थी तो वो नहीं काट के गए। मैं फिर कारपेंटर को लाया तो उसी ने ये फिट कर दिया, और आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपना दिखने वाला है। साइड से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने गत्ता लगा दिया है इसके बराबर में, और यहाँ से अगर दिखाऊँ तो यहाँ से कुछ इस तरीके से अपना दिखने वाला है। बाकी की अगर बात करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे अपना ये पानी के लिए है। अभी इस पे मैंने ये पाइप भी मैं नहीं लेके आया हूँ, तो ये भी मेरे को लेके आनी है। तो सोच रहा हूँ कि संडे में ये अपना जो है इसके काम करूँगा, और अब मैं आपको चला के इसको दिखाता हूँ। तो अपना जो है पहले गेट हम बंद कर लेते हैं इसको यहाँ पे जो, तो गेट मैंने बंद कर लिया है। अभी मैं आपको रिमोट इसका दिखा देता हूँ, रिमोट में क्या क्या फंक्शन इसमें दिए गए हैं। तो रिमोट की अगर बात करें तो ये कुछ इस तरीके से मैंने ये पन्नी में डाल दिया है, गंदा ना हो। ये अपना टेम्परेचर का अप एंड डाउन करने का, अभी 24 पे ये ऑन रहता है हमेशा, जो ऐसा नहीं है बंद हो जाता है, बट वोल्टास का था कि अपना ऑफ कर सकते थे। ये ऑन ऑफ का है, ये मोड चेंज करने का है, ये स्विमिंग का है, ये फिल्टर फी है, मैंने कभी यूज नहीं किया। बाकी की अपना टाइमर है ऑन ऑफ के लिए, ये फ़ैन का है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे ऑन करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से लाइट चल जाएगी, और ये अपना एसी जो है ऑन हो चुका है। और आपको अगर देख पा रहे होंगे, क्योंकि अभी मैंने वॉइस टीवी वगैरह सब बंद कर रखा है, तो अंदर थोड़ी सी नॉइस पता लगती है, बट बाहर की तरफ अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नॉइस है। और अभी मैंने ये टेम्परेचर की बात करें तो ये 24 पे कर रखा है। अब हाईएस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितने पे अपना जाएगा। ये मैं आपको 26, 27, 28, 29, 30, क्योंकि हाईएस्ट पे मैंने कभी चलाया नहीं, 32 तक जाता है। और नीचे चेक कर लेते हैं कि आपका ये कितने तक जा रहा है।
16 तक जा रहा है या कितना, 16 तक जा रहा है दोस्तों। तो बाकी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको रखता हूं, अभी ये क्या है अपना जो है मेरा कूल पे है, अगर मैं इसको मोड चेंज करता हूं, अभी जैसे ड्राई पे मैंने कर दिया है लो पे, तो ये अपना ड्राई पे चलेगा। ये क्या है कि अपना मॉइस्चर जब आता है तब चला सकते हो, बाकी की ऑटो पे, ये भी अपना सिर्फ फैन चल रहा है और ये अपना ऑटो पे चल रहा है। ऑटो पे क्या होता है कि कभी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ऑटो पे, तो इसलिए हम क्या करते हैं कूल पे चलाते हैं, कूल पे और हाई पे। तो अभी ये 16 पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ की अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ वॉइस वगैरह का, थोड़ा सा माइक भी मैं इधर की तरफ कर देता हूँ, आप जस्टिफाई करिएगा। बहुत ज़्यादा वॉइस नहीं है, बट ये है कि इसको लेके थोड़ा सा टीवी वगैरह की आपको वॉइस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, आप देख सकते हैं वॉइस। और पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे थोड़ी सी वॉइस ज़्यादा आती है इसमें जो, मैं आपको दिखा देता हूँ। बट पीछे से अपने को क्या करना है, अपने को तो अंदर से देखना है। तो यहाँ की थोड़ी वॉइस ज़्यादा करते हैं, अगर बात करते हैं हम स्प्लिट एसी की, तो स्प्लिट एसी में थोड़ा सा वो है अपना जो है कम आउटडोर ज़्यादा करता है, इनडोर कुछ भी नहीं करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ ये आप देख सकते हैं अपना जो मैंने आपको वॉइस दिखा दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हिताची का मैंने काफ़ी नाम सुना था, मेरे दोस्त वगैरह यूज कर रहे हैं, मेरे ऑफिस के कलीग यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि हिताची का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा है। और कूलिंग की बात करूं तो कूलिंग तो ये कम से कम 10 से 15 मिनट में अपने इस रूम को तो पूरा कूल कर देता है। और बात करते हैं सेकेंड रूम में, अगर मैं आता हूँ ये वाले रूम में, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है हाफ एन आवर का, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसे तो मैंने इसको स्विमिंग रोक के रखी है यहाँ पे बीच में ही, तो जल्दी कर देता है। बट अगर मैं मतलब यही है कि रात में अगर मान लो 3 से 4 घंटे चल जाए, क्योंकि मेरा ग्राउंड फ्लोर का है, तो अच्छे से कूलिंग कर देता है। बट ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि नाइट में अपना जो है कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। अगर कम गर्मी है तो 2 से 3 घंटे में भी आप चला के इसको जो है बंद कर सकते हैं। बाकी की ये था अपना भी चल रहा है, इसमें टाइमर भी सेट कर देता हूँ मैं, तो 2 घंटे का सेट कर दिया, 2 घंटे में अपने आप बंद हो जाता है, 3 घंटे का सेट किया, 3 घंटे में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और बाकी की फंक्शन मैंने अभी बहुत ज़्यादा यूज नहीं किए, एक्सप्लोर नहीं किए हैं, क्योंकि अभी मेरा जो है करंट वीक में ही चलना स्टार्ट हुआ है, उससे पहले तो मैंने 1 घंटे चलाया था, 2 घंटे इस वीक में। आज फ्राइडे हो गया, तो मंडे से लेके फ्राइडे तक मैंने कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ, तो कूलिंग की तो मेरे को कोई दिक्कत आ नहीं रही है इसमें, और बाकी की सही चल रहा है। इससे पहले मैंने स्प्लिट यूज किया था, तो मेरे को थोड़ा सा डिफरेंस तो लग रहा है स्प्लिट में, मतलब जो है पूरा अच्छे से मतलब फ़ैन के नीचे कर देता है, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन की डायरेक्शन भी सही नहीं बन रही है अभी। तो बाकी की अगर बात करते हैं तो इधर अपना काफ़ी अच्छा खासा स्पेस रहता है इसमें। तो दोस्तों ये था सारा अपना एक्सपीरियंस। बाकी की अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। और आने वाले टाइम में आपको जो है इसकी मैं और एक वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा, आफ्टर 1 मंथ, जब थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाएगी। अब अप्रैल का महीना है, मई जून में इसकी एक और वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों करते हैं इसी वीडियो को यहीं पे एंड। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।